अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज बन रहा है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, कुछ जरा हटकर रमजान स्पेशल रेसिपी। तो आइए चल के देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो ये मेरे पास फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है। ये एक मग मेरे पास दूध है, ये आ गया दही, ये आ गई तुख मलंगे, ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी है, और ये साथ में आ गई इसके क्रीम। चलें जी, स्ट्रॉबेरी फ्रीज करने किस तरह से है। स्ट्रॉबेरीज़ को धो लेना अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद उसकी जो डोलियाँ हैं वो उतार लेनी है। स्ट्रॉबेरीज़ रखेंगे आप, उसके बाद 2 चम्मच चीनी डालेंगे, और इसी तरह स्ट्रॉबेरी चीनी डाल के आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम बनाते हैं अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कुछ नए अंदाज में, हट के थोड़ा सा। चलिए, तो जनाब दूध डाल दिया मैंने, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं डालूंगी दही के अपने, ठीक। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, और ये आ गया 3 चम्मच। 3 चम्मच दही हो। चीनी जनाब स्ट्रॉबेरीज में डाली हुई है, तो चीनी मैं टेस्ट करके फिर डालूंगी, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। ओके जी, इसके बाद हम डालेंगे अपनी क्रीम, हो गया। और इसके साथ ही हम डालेंगे तुख मलंगे तकरीबन 1 चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे अपनी स्ट्रॉबेरीज, ठीक। ओके जनाब, अब स्ट्रॉबेरीज डालिए, अब हम इसको करेंगे शेक, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, हमारा क्रीमी योगर्ट मिल्क शेक रेडी हो गया स्ट्रॉबेरी का। अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉबेरी के चंक्स डालूंगी, बहुत यम्मी लगते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, आई होप सो कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।